हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट वीडियो में। जैसे कि आप क्लास टेंथ वाले विद्यार्थी जो ऑब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, तो टेंशन अब बिल्कुल ख़त्म होने की कगार में है। आपको ये लग रहा होगा कि ज्ञापन एकेडमी डेली बाय डेली वीडियो अपलोड कर रहा है। क्लास टेंथ साइंस का जो मतलब ऑब्जेक्टिव है, केमिस्ट्री के बाद ये फिर फिजिक्स का कराने वाले हैं कि नहीं, बायोलॉजी कराने वाले हैं कि नहीं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज्ञापन एकेडमी जब तक कुछ दिनों डिस्टर्ब था तब तक था, क्योंकि स्टूडियो में कुछ वर्क चल रहा था। बहुत जल्दी हम लोग स्मार्ट बोर्ड भी लेने वाले हैं, बहुत जल्दी आप सभी के लिए मतलब जो है ना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप ही लोगों के लिए सब कुछ हो रहा है। चूँकि स्टूडियो में वर्क चल रहा था तो हम लोग को वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लाइटिंग वाइटिंग का व्यवस्था थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, जिसके कारण हम लोग कुछ दिनों वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन अब हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू हो चुके हैं। आप लोग भी कंटिन्यू हो जाइए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपका दोस्त भी उठा सके। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ साइंस का केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर बोले तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि ये पहले नंबर की चैप्टर में होना चाहिए, मतलब केमिस्ट्री के पहला लेसन ये होना चाहिए। लेकिन करे तो क्या करे भाई, जो मुद्रक हैं, जो किताब के मुद्रक हैं, जो छापते हैं, वो लेसन सबसे लास्ट में इसको बना दिए। अब आई डोंट नो कि उनके मन में क्या मानसा चल रही थी, बट मेरा सोच विचार हो, चूँकि आप तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आप हमसे पढ़े होंगे, तो उसमें भी हम बताए हैं कि ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये पहले लेसन में होना चाहिए, लेकिन ये बेचारा सबसे लास्ट लेसन में इसको किताब वाले ने छाप दिया है, ठीक है ना। क्योंकि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण काफ़ी बेसिक है, और इससे भी दो चार क्वेश्चन न्यूलैंड फ्लेमिंग, वैज्ञानिक हेनरी मोजले, और मान के चलिए कि अष्टक नियम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, दो चार क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, और कोई एक नंबर से फेल हो जाता है, यहाँ तो दो चार नंबर इसी से ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। तो क्यों ना इस तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से रिलेटेड जितना भी केमिस्ट्री से, यानी केमिस्ट्री का ये सबसे लास्ट चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है, क्यों ना इसको भी देख करके बहुत ही अच्छे ढंग से समाप्त करें। क्योंकि कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और जैसे ही केमिस्ट्री समाप्त होगा कि हम फिजिक्स का जितना भी लेसन है, प्रत्येक लेसन वाइज हम जो है क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से केमिस्ट्री का अपलोड किए उसी तरीके से फिजिक्स का होगा, और उसी तरीके से बायोलॉजी का होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव ऑनलाइनर होने वाला है। और इस जितने भी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है, ये एक प्लेलिस्ट में जमा हो रहा है, वो है क्लास टेंथ साइंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2025 के नाम से। यही ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में जाएंगे, आपको दिखेगा एक नया प्लेलिस्ट क्लास टेंथ साइंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम 2025, जिसमें बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। एकदम जो है ना इत्मीनान से ठंडा पानी पीजिए, नरम पानी पीजिए, नो प्रॉब्लम, चाहे पानी को उबाल कर पीजिए, चाहे चाय नाश्ता वगैरह खाना पीना करके, नो प्रॉब्लम। एक एक वीडियो डेली बाय डेली 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का जितना भी वीडियो हो रहा है, सब वीडियो को लाइन बाय लाइन से एकदम रेस्ट ले लेकर, जो मन करे वो खा के, जो मन करे वो पी कर, ठीक है ना, वीडियो को डेली बाय डेली एक एक वीडियो डोज के हिसाब से, ठीक है ना, क्या करना, जिस तरीके से हम लोग ताकत वाली गोली खाते हैं ना, तो डेली बाय डेली एक गोली खाते हैं, और ठीक 30 डेज थेरेपी के बाद हम एकदम पावरफुल और बलवान हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी को कमजोरी होती है, तो डॉक्टर क्या करता है, मल्टीविटामिन की गोलियां लिखता है और बोलता है इसे डेली रात को एगो खाना है। आप खाते हैं और 30 दिन के बाद फिर उतना ही पावरफुल और एनर्जेटिक बन जाते हैं। इन द सेम वे डेली बाय डेली जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के प्रत्येक लेसन से जो ऑब्जेक्टिव ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से सर्कुलेट किया जा रहा है, बस एक एक वीडियो डेली बाय डेली जो है ना आराम से देख लेना है, आपका पूरा का पूरा जो है ना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव से आपका पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। मतलब जो आप बिहार बोर्ड क्लास टेंथ साइंस का जो टेंशन आपके दिमाग में चल रहा था, वो पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में साइंस का नंबर आप जो है ना कितना प्राप्त करने वाले हैं, 95+, और ये कहाँ से संभव हो पाएगा, ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। आप इसको हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं, इसमें 97 नंबर एक प्रिंस नामक व्यक्ति था, जिसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करके 97+ साइंस में लेकर के आया था, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैथमेटिक्स भी, उर्दू भी, मतलब सभी सब्जेक्ट जो है ना आपको अच्छे ढंग से पूरा का पूरा तैयारी करवा दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और ये जैसे ही समाप्त होगा कि हम फिजिक्स के प्रत्येक लेसन को लेसन वाइज ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग
तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से कितना ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर का प्रत्येक टॉपिक से जितना भी ऑब्जेक्टिव वनलाइनर बन जाने वाला था आप सभी के बीच में शेयर कर दिया। अब इसके बाद से बात होगी या तो फिजिक्स का या तो फिर बायोलॉजी का, मतलब फिजिक्स का भी और बायोलॉजी का भी सभी के सभी चैप्टर वाइज जितना भी टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है पूरे के पूरे चैप्टर का टॉपिक वाइज मैं आप सभी के बीच ऑब्जेक्टिव शेयर कर दूंगा। आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद यानी कि तत्पश्चात आपको ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, हो सकता है या तो अपलोडेड वीडियो के माध्यम से या तो फिर लाइव लिया जाएगा जैसी आपकी कमेंट हो जाए। और आप सभी विद्यार्थी देखिए वीडियो को देखने के बाद शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बुरा लग रहा है। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों के पास पहुंचे और इसका फ़ायदा उठा सके, बट आप लोग शेयर कर नहीं रहे हैं। तो वीडियो को अभी से ही कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखोगे ज़रा, पहला प्रश्न कह रहा है सन 1800 ईस्वी तक कितने तत्वों की खोज हो गई थी। तो भाई अब बताएंगे कि 30 तत्वों की, मात्र 30 तत्वों की खोज हुई थी। उसके बाद से दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, धातु और अधातु में तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, यानी धातु अधातु के बारे में सबसे पहले मैंने किस वैज्ञानिक ने जो है ना तत्वों का वर्गीकृत किया गया। ठीक है तो यहाँ पर क्या है, लेवाइजियन है ठीक है ना, लवाजे लिख दिया गया बट लेवाइजियन होगा ठीक है ना, कहीं कहीं लवाजे लिखा रहता है बट इट डजंट मैटर ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है त्रिक नियम किसने दिया, ठीक है ना, तो JW Dobereiner ने ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं ठीक है ना कि Dobereiner ने त्रिक नियम कब दिया, तो 1817 में। अच्छा देखिए अगला प्रश्न है कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया, तो यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ सकता है कि अष्टक नियम किसने दिया, तो भाई न्यूलैंड ने दिया। तो ठीक है कब दिया, तो 1865 से 1866 के बीच में दिया ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, 1865 से 66 तक कितने तत्वों की खोज हो गई थी, तो 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी ठीक है ना। यहाँ देखिए न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम की तुलना किससे की थी, तो संगीत के अष्टक से किया था। संगीत के अष्टक कैसा होता है भाई, सा रे ग म प ध नी और उसके बाद से सा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 8वां नंबर सार है ना, तो सा से शुरू कीजिए तो सा पर ख़त्म होता है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने संगीत के सुर अष्टक से इन्होंने क्या किया, अपना अष्टक नियम को प्रतिपादित किया। अर्थात अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड्स ने दिया। अगला प्रश्न देखेंगे ज़रा, 8 नंबर कह रहा है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब दिया, तो 1871 में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समय ज्ञात तत्व कितने थे, तो भाई 63 हो गए थे ठीक है ना। उसके बाद से अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ। अगर देखिए अगर आपसे सन ईस्वी से अगर साइंस में क्वेश्चन पूछता भी है ना, तो मेंडलीफ का जन्म पूछ देता है कि 8 फरवरी 1834 को हुआ था। जिस तत्व पर कैथोड किरणें प्रहार करती है यानी गमन करती है उसे कहते हैं एंटी कैथोड कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे बहुत ही इत्मीनान से, और मात्र इस चैप्टर से 15 क्वेश्चन ही हो पाए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे छोड़कर मैंने ये छोड़कर के तो दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑनलाइनर बन नहीं रहा था, फिलहाल इससे तो आपका ऑब्जेक्टिव एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या करें, वर्ग 1 के तत्व तो कहलाते हैं क्या चीज़, क्षार धातु, और वर्ग 2 के तत्व तो कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु, और वर्ग 14 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो हैलोजन्स कहलाते हैं, यानी 17 नंबर वर्ग में सिर्फ हैलोजन ग्रुप के रहेंगे ठीक है ना। ठीक है ना, अब यहाँ जैसे क्लोरीन ब्रोमीन यानी क्लोरो ब्रोमो आइडो वगैरह ये सब रहते हैं, तो यहाँ देखिए अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे, तो भाई न्यूलैंड्स। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले अपने स्टेटमेंट में यही बता रहा था कि अगर आपसे पूछ दें कि न्यूलैंड ठीक है ना अष्टक नियम का प्रतिपादित कब किया, तो जो सन ईस्वी में जो बता रहा था आपको डिस्कशन कर रहा था उसी समय मैंने बताया कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किसने दिया या किसने प्रतिपादित किया, तो आप बता सकते हैं ठीक है ना, सॉरी अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया, तो आप बता सकते हैं कि न्यूलैंड्स ने किया। मतलब आपसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है भाई, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन कितना नंबर था, हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला था कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया,
तो यहाँ पर सवाल मैंने उसी समय आप सभी के बीच डिस्कस कर रहा था कि अष्टक नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड ने दिया। और ये भी पूछ सकता है कि कब दिया, तो 1865 से 66 के बीच में। वहीं क्वेश्चन लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन है, या उसके जन्मदाता कौन है, या उसको किसने क्रिएट किया, तो भाई अष्टक नियम को न्यूलैंड्स ने किया। तो लगाना ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल लगा होगा, और बहुत ही मेहनत के बाद आप सभी के बीच ये वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है। तो क्यों ना एक मेहनताना के तौर पर, गुरु दक्षिणा के तौर पर, अगर आप अच्छे शिक्षक और हमारी मेहनत पर आपको भरोसा हो रहा है और आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो क्यों ना इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। नहीं लाइक किए होंगे तो लाइक कर दीजिए बाबू, ठीक है ना। और तो और गुरुदक्षिणा के रूप में इस वीडियो का लिंक उठाइए, या फिर इस प्लेलिस्ट का ही लिंक उठाइए और अपने व्हाट्सएप के, ठीक है ना, जो है ना, जो स्टेटस वाली सेक्शन है वहाँ पर ले जाकर के शेयर कर दीजिए, ताकि आपसे जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं इस वीडियो का और इस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा सकें। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का और उसके बाद से बायोलॉजी का, मतलब पूरा का पूरा साइंस का टेंशन खत्म हो जाने वाला है। तो लाइन बाय लाइन से सब कुछ वीडियो अपलोड होगा, आपको बस धैर्य रखना है। आज पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म हो गया, उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी फिर से कमबैक होने वाले हैं। क्या चीज़ लेकर के, पूरा का पूरा ऑप्शन वाइज लेकर के हम आने वाले हैं। क्या ऑप्शन वाइज, अब ये जो हम वन लाइनर कराए ना, इसके बाद से केमिस्ट्री का ऑप्शन वाइज आएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले फिजिक्स का भी वन लाइनर करा लें, बायोलॉजी का भी, तब उसके बाद से हम क्या करेंगे, चार चार ऑप्शन के साथ लाइव क्लास आपके बीच होगा और आपको सही आंसर पिक करना है। कुछ इसमें से प्रश्न आएंगे, कुछ नए प्रश्न आएंगे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। साइंस में तो 97+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। अगर आपको एक दो नंबर कटेगा भी, तो आपके प्रैक्टिकल जो 20 नंबर का विद्यालय से जो एग्ज़ाम होता है ना, जो आपको 20 नंबर विद्यालय से मिलता है, स्कूल से मिलता है, वहीं एक दो नंबर काट देंगे, क्योंकि 20 में 20 वो लोग देते नहीं हैं, उनको आप पर भरोसा नहीं होता। हो सकता है आपका एब्सेंटी के तहत काटा जाए, या आपका परफॉर्मेंस वहाँ पर सही नहीं हो, आप नहीं गए हों एग्ज़ाम में, बढ़िया से एग्ज़ाम नहीं दिए हों, उसको मजाक समझे हो, तो उसमें से एक दो नंबर काट देता है, वहीं एक दो नंबर कटेगा। बाकी जो 80 नंबर रिमेनिंग बच रहा है ना, ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से पूरा 80 का 80 दिलाने का वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।